विकी कौशल और कैटरीना ने लिए एक साथ फेरे। कैटरीना की विदाई सेरेमनी हुई पूरी। पूरे बॉलीवुड में इन दिनों सिर्फ कैटरीना और विकी कौशल की शादी की खबरें चल रही हैं। जैसे कि कैटरीना और विकी की शादी के फंक्शन 7 दिसंबर से शुरू हो गए थे और आज 9 दिसंबर है और दोनों ने एक दूसरे से जन्मों जन्म तक का वादा कर लिया है। हाँ दोस्तों, आज दोपहर 3 बजे कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने फेरे ले लिए हैं और कैटरीना की विदाई सेरेमनी भी पूरी हो चुकी है। इन दोनों की शादी काफ़ी धूमधाम में हुई है और शादी को अटेंड करने बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई हैं। बताया जा रहा है कि कैटरीना और विकी कौशल की शादी में कबीर खान, नेहा धूपिया, अंगद बेदी, शर्वरी वाघ, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जैसे कई सेलेब्स आए हैं। इन दोनों की धूमधाम से हुई शादी के लम्हे आज बॉलीवुड के इतिहास के पन्नों में लिखे जा चुके हैं। हर दर्शक इन दोनों को एक साथ देखना काफी पसंद करता है और हर किसी की यही चाहत थी कि ये दोनों जल्द शादी कर ले और आखिर आज ये शादी पूरी हो गई है। ये शादी राजस्थान के 6 सेंसेस बड़वाड़ा फोर्ट में रचाई गई है। कैटरीना और विकी कौशल की शादी में कई रूल्स और रेगुलेशंस मेहमानों को फॉलो करने पड़े थे। कथित तौर पर मेहमानों को अपने मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी ताकि उनकी कोई वीडियोस और फोटोज न ली जा सके। कैटरीना और विकी कौशल के फैंस वेडिंग सेरेमनी के फोटोज और वीडियोस देखने के लिए काफी बेताब हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि कैटरीना और विकी की शादी की फोटोज के राइट्स एक लीडिंग इंटरनेशनल मैगजीन के इंडियन एडिशन को बेचे जा रहे हैं। इससे पहले प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने अपनी शादी की तस्वीरें पीपल्स मैगजीन को बेची थी। उन्होंने कथित तौर पर 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ये फोटोज बेची थी। शादी से पहले त्रिनेत्र गणेश मंदिर पहुंचेंगे कैटरीना विकी, लेंगे भगवान का आशीर्वाद। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। 6 दिसंबर को ये कपल परिवार के साथ राजस्थान के सवाई माधोपुर के 6 सेंसेस बरवाड़ा फोर्ट में पहुंचा है। खबरें हैं कि कल 7 दिसंबर को विकी और कैटरीना की संगीत रात थी। कैटरीना और विकी कौशल अपनी जिंदगी के एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें रणथंभौर के मशहूर त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाकर आशीर्वाद लेने की सलाह दी गई है। भगवान गणेश का ये मंदिर रणथंभौर में 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और बेहद प्राचीन है। रिपोर्ट के मुताबिक सवाई माधोपुर और रणथंभौर के रहने वाले लोगों ने सलाह दी है कि विकी कौशल और कैटरीना कैफ को त्रिनेत्र गणेश भगवान का आशीर्वाद लेने जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में रोजाना हजारों शादियों के कार्ड आते हैं और फिर उन सभी कार्ड को त्रिनेत्र गणेश भगवान के चरणों में रखकर आशीर्वाद लिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक त्रिनेत्र गणेश मंदिर में विकी कौशल और कैटरीना कैफ की तरफ से शादी का कार्ड नहीं भेजा गया था, तब वहां के लोगों ने उन्हें इसकी जानकारी दी और महत्व बताया। तब कपल के साथ साथ उनके परिवार वालों को बताया गया कि उन्हें भगवान गणेश के दर्शन कर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। विकी कौशल अपनी शादी में या फिर मेहंदी या संगीत की रस्म में शेरवानी पहनने वाले हैं। ये शेरवानी क्रीम कलर की होगी। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिनमें एक शख्स विकी कौशल की शेरवानी को ले जाता दिख रहा था। बाहर शेरवानी पर विकी के नाम का टैग लगा था। तस्वीर में शेरवानी के कलर की हल्की सी झलक भी मिली। विकी और कैटरीना कैफ की शादी के लिए अब फिल्मी सितारों ने भी उड़ान भरनी शुरू कर दी है। 6 दिसंबर को जहां विकी और कैटरीना अपने परिवार के साथ राजस्थान रवाना हुए तो वहीं अब एक्ट्रेस नेहा धूपिया अपने पति अंगद बेदी संग विकी कैट की शादी में शामिल होने के लिए मंगलवार राजस्थान के लिए रवाना हुए। इस दौरान दोनों को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। नेहा धूपिया और अंगद बेदी के अलावा बॉलीवुड डायरेक्टर कबीर खान भी अपनी फैमिली के साथ विकी और कैट की शादी में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। इस दौरान कबीर खान काफी खुश नजर आए।